नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास के मैथ से है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज से है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यदि क्वेश्चन दिया गया कि प्रूव डैट 1 + cot² θ / 1 + cosec θ बराबर cosec थीटा, तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए सोल्यूशन, यहाँ पर जो LHS में हमें गिवेन है सोच लेते हैं। तो देखिए वी हैव LHS इक्वल टू 1 + cot² θ / 1 + cosec θ। अब ये देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इस cot स्क्वायर थीटा की जगह जो है ये वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 / 1 + cosec θ। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है सेटअप करते हैं, cosec थीटा का स्क्वायर लिखते हैं, -1 का स्क्वायर लिखते हैं, बाय 1 + cosec θ। नीचे वाला जो है कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको लिखेंगे a + b (a - b). ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a + b (a - b). तो यहाँ पर जो है इसको जो है इस रूप में लिखेंगे, तो होगा यहाँ पर cosec θ + 1 × cosec θ - 1 / 1 + cosec θ। अब देखिए यहाँ पर ये cosec थीटा प्लस वन और ये 1 + cosec θ, ये दोनों जो है क्या है, तो एक ही है, तो ये जो है क्या होगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 + cosec θ - 1 और ये +1 - 1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा cosec थीटा, और ये किसके बराबर होगा, तो RHS के बराबर होगा, और ये जो है प्रूव हो गया आपका।